आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, एक प्रश्न है हमारे पास कि हम द्रव्यमान में आर त्रिज्य के एक समान बल्ले एक 8m द्रव्यमान व आर त्रिज्य के एक समान गोले के ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर स्थित है। दोनों के केंद्र के मध्य की दूरी d बराबर वर्गमूल 3r है। गोले व बल्ले के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल है, तो मुझे यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल जो लगेगा वो मुझे बताना है। तो हमारे पास मान लीजिए हमारे पास एक बल्ले है। अब इस बल्ले से वल्ले के कारण लीजिए हमारे पास एक वल्ले है, इसे d दूरी पर m द्रव्यमान व r त्रिज्या वाले एक समान वल्ले एक 8m द्रव्यमान व r त्रिज्या के गोले के मध्य से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर स्थित है। तो हमारे पास ये हमारे पास एक गोला है। प्रश्न के अनुसार कि m द्रव्यमान व r त्रिज्या का एक समान वल्ले एक 8m द्रव्यमान व r त्रिज्या के गोले, मान लीजिए हमारे पास ये गोला है जिसकी जो त्रिज्या हमारे पास 8r है वो उसके ऊपर स्थित है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर स्थित है। दोनों के मध्य केंद्रों की दूरी, जो दोनों के मध्य केंद्रों की दूरी है हमारे पास वो मान लीजिए हमारे पास d है, जो किसके बराबर है, वर्गमूल 3r के बराबर है। गोले व वल्ले के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल मुझे ज्ञात करना है कि गुरुत्वाकर्षण बल हमारे पास यहाँ पे क्या होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो वल्ले के कारण हमारे पास जो d दिया हुआ है वो है वर्गमूल 3r की दूरी पर गुरुत्वाकर्षण बल की तीव्रता। जो गुरुत्वीय तीव्रता होगी, गुरुत्वाकर्षण बल की तीव्रता, गुरुत्वाकर्षण बल की जो तीव्रता होगी वो हमारे पास क्या होगी, I बराबर होगा इक्वल्स टू जी एम, ये जो दूरी है दो सेंटर के बीच की, इसकी वजह से जो तीव्रता होगी वल्ले के कारण, वल्ले ये हमारे पास वल्ले है, इस वल्ले के कारण जो तीव्रता होगी हमारे पास गुरुत्वाकर्षण बल की तीव्रता जी एम डी बटे में डी का वर्ग जमा में आर का वर्ग और सारे की पावर 3/2, जहाँ पे आर हमारे पास क्या है, इस गोले की त्रिज्या। तो यहाँ से अब हम डी का मान हमारे पास क्या है, वर्गमूल 3r, ये मान हमने इस समीकरण में रखा। तो इसका मान समीकरण में रखने के बाद तीव्रता वाले में, तो यहाँ से आएगा हमारे पास जी एम डी का मान है वर्गमूल 3r बटे में डी का वर्ग, हमारे पास आएगा वर्गमूल 3r, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3r का वर्ग जमा में r का वर्ग सारे की घात 3/2। तो यहाँ से हमारे पास आएगा वर्गमूल 3 जी एम बटे में 8r का वर्ग, ये आ जाएगा। अब जो गोले पर लगने वाला जो बल होगा, गोले पर लगने वाला बल, तो जो गोले पर बल लगेगा, गोले पर बल जो लगेगा वो हमारे पास कितना होगा, मान है जिसका द्रव्यमान हमारे पास है m, और दोनों के बीच की जो इंटेंसिटी हमारे पास कितनी है, इंटेंसिटी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जो हमारे पास किसके बराबर है, 8m। तो यहाँ से हमारे पास जो गोले पर लगने वाला जो बल होगा उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो 8m गुणा में जो हमारे पास यहाँ पे इसकी जो तीव्रता होगी आई, जो हमारे पास यहाँ पे जो तीव्रता होगी उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि जो बल होगा F वो बराबर होता है I इंटेंसिटी इनटू में मास, द्रव्यमान को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें उसकी तीव्रता से वो हमें बल देगा। तो यहाँ से 8m I हमारे पास आएगा वर्गमूल 3 जी एम बटे में 8r का वर्ग, 8 से 8 कैंसिल, तो यहाँ से आएगा मेरे पास वर्गमूल 3 जी एम स्क्वेयर बटे में आ जाएगा हमारे पास r का वर्ग, ये आ जाएगा दोनों के बीच में लगने वाला बल। तो यहाँ से जो बल आएगा हमारे पास वो आएगा वर्गमूल 3 जी एम का वर्ग आर स्क्वेयर। तो ये हमारे पास होगा जो कि ऑप्शन होगा हमारे पास, ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे वर्गमूल 3 ये आएगा, ऑप्शन डी होगा, सॉरी फॉर दिस मिसप्रिंटिंग। तो हमारे पास आएगा वर्गमूल 3 जी एम का वर्ग बटे में आर का वर्ग, तो ऑप्शन डी होगा इसका राइट होगा। सो ये हमारा इसका आंसर है। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।